फ्रेंड्स, हाउ इज इट गोइंग। मेरा नाम है क्षितिज मॉल, और जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा कि मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 4 चेस्ट एक्सरसाइजेस, जो मेरी खुद की पिक्स हैं, ठीक है। मैंने उठाई हैं 4 एक्सरसाइजेस, और मैं आपको दिखाऊंगा इन एक्सरसाइजेस के थ्रू कि कैसे आपको पंप मिलेगा, 3D मसल्स मिलेंगे आपकी चेस्ट में। सो हमारी जो एक्सरसाइजेज होंगी, 4 एक्सरसाइज हैं जैसा कि आपको वीडियो से पता लग रहा है। रेपिटेशन होंगे 20, 15 and 10। चौथी जो एक्सरसाइज होगी वो डेथ सेट होएगा, मतलब टिल योर फेलियर। और मेक श्योर ये करना है कि आप मेंटली वहाँ हुएं, फिजिकली आप हमेशा होंगे, बट मेक श्योर करें आपका वो कनेक्शन आपके वेट्स, आपके डम्बल्स के साथ होए। तो आप अपना प्री वर्कआउट या कैफीन जो भी आप लेते हैं वो लेके ज़रूर जाएं। मैं ले चुका हूँ, मेरे को किक स्टार्ट मिल चुकी है। और याद रखें, जिम के अंदर जाके तबाही मचानी है, ये नहीं कि जिम के अंदर गए और डम्बल को छुआ और बस राम राम करके आ गए। नहीं, हमें अंदर जाना है और मेक श्योर करना है कि वी मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस 1 आवर मैक्सिमम। सो चलिए चलते हैं जिम के अंदर और देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने पहले सेट को स्टार्ट करेंगे। केबल क्रॉसओवर जो है ये पहला सेट है, और ये मैं वार्म अप कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आगे आ रहा हूँ स्क्वीजिंग इट, और जो मैंने वेट लगाया है बहुत ही नॉर्मल, जस्ट लाइक अ वार्म अप सेट मैंने लगाया है। और अब मैं अपने वेट को बढ़ा रहा हूँ अपने नेक्स्ट सेट में। मेक श्योर करना है अपने कि आप जो वेट एडजस्ट कर रहे हैं वो बस अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को रीच नहीं करनी। ये स्टार्ट हो गया मेरा सेट, ये मैं आगे आ रहा हूँ स्क्वीज़ कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ तो मैं अपने शोल्डर्स इंगेज नहीं कर रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। स्क्वीज़ योर चेस्ट ताकि ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड आपके मसल में जाए। डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं, आगे आते टाइम आपने स्क्वीज़ करना है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत लोग ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि शोल्डर्स को इंगेज करते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने चेस्ट को स्क्वीज़ करना है, चेस्ट से आपको पंप आपको चेस्ट में चाहिए। सो मेक श्योर आप राइट तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, राइट एंगल में अपनी चेस्ट को इंगेज कर रहे हैं। तो आगे आते टाइम देखिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ और स्क्वीज़ कर रहा हूँ। और जब मैं अपने सेट को मैं ख़त्म करूँगा तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, मैंने वेट्स आराम से रखे और अब आप देखें मेरी चेस्ट ऑलमोस्ट रेड हो गई है, ठीक है। सो ये है इस एक्सरसाइज का ज़बरदस्त फ़ायदा। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन केबल फ्लाइज। आपकी जो बेंच है वो 45 डिग्रीज के आसपास एंगल पे होनी चाहिए। 3 सेट्स लगाएंगे, 12 से 15 रेपिटेशंस। नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। नीचे जाते टाइम आपने मेक श्योर ये करना है कि आप शोल्डर्स पे ज़्यादा अपने शोल्डर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और ऊपर आते टाइम आपने स्क्वीज़ करना है। आपने मेक श्योर करना है जब आप ऊपर आएँ स्क्वीज़ करें ताकि ज़्यादा ब्लड आपके चेस्ट मसल में जाए और आप मैक्सिमम पंप उससे ले पाएंगे। नीचे जाएँ, फिर ऊपर, और आपको दिखाई देगा अब कि मेरे को कितना पंप मिला है। मेरी चेस्ट पूरी लाल हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले आपको अपने रैक को सेट करना पड़ेगा अपने शोल्डर वेट के अराउंड, थोड़ा सा उससे ऊपर, लेकिन वेट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, ज़्यादा हैवी वेट नहीं करेंगे हम। सो स्टार्ट होगी एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं 3 एंगल केबल क्रॉस ओवर। पहले हम नीचे जाएंगे, फिर हम बीच में आएंगे जैसा मैं आ रहा हूं, और फिर ऊपर जाएंगे, ये मैं गया। तो उसको बोलते हैं 3 एंगल केबल क्रॉस ओवर, नीचे, बीच में और ऊपर। सो सारे ही एंगल्स पे आपने अपने एक तो शोल्डर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और जब आप फ्रंट में आके स्क्वीज़ कर रहे हैं आपने होल्ड करना और अच्छे से स्क्वीज़ करना है ताकि मैक्सिमम ब्लड आपके मसल में जाए और आपको मैक्सिमम पंप मिले, ठीक है। सो ये सारे कैमरा एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, नीचे, बीच में, ऊपर। तो ये थी हमारी 3 एंगल केबल क्रॉस ओवर फॉर योर पंप। ऑलराइट गाइस, जो हमारा अब ये लास्ट सेट है, ये डेथ सेट है, हेक्स बार फ्लैट बेंच प्रेसेस। 3 सेट लगाएंगे इसके, और मैंने बहुत इजीली लिफ्ट किया जैसे आपने देखा। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और फिर मैं ऊपर आ रहा हूँ। मेक श्योर आपने ये करना है, बहुत ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इंजरी के चांसेस हैं अगर आप इसमें ज़्यादा वेट रखेंगे। अपने वेट को एडजस्ट करें अपने अकॉर्डिंगली, ज़्यादा वेट नहीं डालें। मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि रॉड इटसेल्फ इज़ वेरी हैवी। सो मेक श्योर आप अच्छे से लिफ्ट कर रहे हैं सेफली, और स्पॉटर हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, बहुत ही इफेक्टिव है, और आपको पता लगेगा जब आप करेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त पंप मिलेगा। सो गाइस, सेफली प्लीज़ इस हेक्स बार को प्लेस करें, कोई इंजरी ना हो प्लीज़। सो मेक श्योर करना आपको बाय द एंड ऑफ द वर्कआउट प्लीज वॉक करना ज़्यादा चेस्ट को अपने, और मैंने ऐप भी मारी हुई है थोड़ी कम दिखाई देगी, इट्स ओके, चेस्ट देख लो आप पूरी पंप है 4 months से। सो दिस वॉज इट गाइज, मेक श्योर आप इसको 8 weeks तक करें और फिर आपको रिजल्ट खुद ही पता लगेगा।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें क्षितिज मोहन फिटनेस को, एंड मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल करें, ख्याल रखें, टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट।